हमारी सरकार है, इसका जो पहला उद्देश्य यही था कि हमने जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनानी है, उस पर अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो हमारा मंत्री ही क्यों नहीं है, अगर भगवंत मान जी ने ऐसा एक्शन लिया तो ये बहुत ही सराहनीय है, हम उनके साथ हैं। क्या मुख्यमंत्री के एक्शन से पंजाब में फैला भ्रष्टाचार कम होगा? वैसे तो जो हमारी नज़र में है, जो लोगों की धारणा है, इससे तो हमें यही पता चला कि काफ़ी हद तक इस पर नकेल कसी जा चुकी थी। अगर कुछ रह गया था तो इस जो भगवंत मान जी ने ये निर्णय लिया है, इससे और भी ज़्यादा नकेल पड़ेगी। भाजपा के कुछ जो नेता हैं उन्होंने तंज भी कसा है, उन्होंने ये भी बोला है कि जो एक पर तो एक्शन हुआ, क्योंकि 3 महीने पहले ये बात कही भी गई थी उनकी तरफ से, केजरीवाल जब गुजरात के हिमाचल के, तो कहा कि पंजाब जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, लेकिन इन्हीं के मंत्री आज जो बर्खास्त करके इन पर कार्रवाई की है, तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये झूठी बातें जो लोगों में फैलाई। देखिए बात ऐसे है कि ये जो विरोधी पार्टी है ना, ये ऐसा करते रहते हैं, इनको ये मान होना चाहिए पंजाब पर, उनको भगवंत मान जी पे भी मान होना चाहिए कि अगर उनका कोई मंत्री भी इस चीज़ में भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसको भी बाहर निकाला जा सकता है। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे सीएम साहब के लिए। तो एक चीज़ और भी बोली उन्होंने, कहते कि जो इनके विधायक जो बने हैं, उनमें से 19 विधायक ऐसे जिन पर काफ़ी बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और बाकी जो विधायक हैं वो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, इनको अपनी पार्टी की तरफ भी देखना चाहिए। हर पार्टी में इस तरह के लोग होते हैं। ये जो विरोधी पार्टियाँ होती हैं, ये जब अपने पक्ष में होती हैं तो दूसरे पे नजायज लगाती रहती हैं, ऐसी कोई ये बड़ी बात नहीं। कल चंडीगढ़ हरियाणा हाईकोर्ट ने पटियाला के विधायक को 3 साल की मारपीट की सजा सुनाई है, क्योंकि मारपीट मामले में उन पर ये जो केस चल रहा था, उनके साथ उनकी पत्नी और बेटे पर भी, तो ये भी एक जो आपके लिए काफी बड़ी बात है। जो पार्टी ने कि दल से जो देखा गया है, जो पार्टी ने किया है, वो बिल्कुल ठीक है, हम उनके साथ समझ नहीं। ये अच्छी बात है जी, जो देखे जो गलत करेगा उसको सजा तो मिलेगी मिलेगी। तो क्या इस विधायक को भी जो बर्खास्त किया जाएगा? बिल्कुल किया जाए, जो पार्टी का निर्णय, हम उनसे सहमत है। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में पंजाब की स्थिति में बात की जाए, तो आज एक मंत्री पर जो बड़ी कार्रवाई हुई है, कल क्या विधायकों पर भी अगर मुख्यमंत्री कार्रवाई करते, क्योंकि खुद ही उन्होंने कंप्लेंट देकर फिर उनको अरेस्ट करवाया? देखिए अगर कोई भी विधायक हो चाहे मंत्री हो, कोई भी भ्रष्टाचार से लिप्त होगा, उन पर अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। जो भगवंत मान जी ने ये कहा है बिल्कुल सही है। तो हमारी सरकार है, इसका जो पहला उद्देश्य यही था कि हमने जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनानी है, उस पर अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो हमारा मंत्री ही क्यों नहीं है, अगर भगवंत मान जी ने ऐसा एक्शन लिया तो ये बहुत ही सराहनीय है।